दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच लाइव चैट के जरिए अपने फैंस से जुड़ने वाले अगले क्रिकेटर का नाम है ईशांत शर्मा। ईशांत भी इन दिनों अपने घर में कैद है बाकी लोगों की तरह, उन्हें भी बात करने के लिए वीडियो कॉल का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के पेज से ईशांत ने अपने फैन से बातचीत की। ईशांत ने इस बातचीत में ऋषभ पंत का जिक्र किया और बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में उन्हें गेंद करना सबसे मुश्किल है। ईशांत ने कहा कि पंत को लेकर नेट्स में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि वो कब कहां गेंद को दे मारे। इस वीडियो चैट में ईशांत ने फैंस के सवालों के जवाब देते हुए ये बातें कही। ईशांत ने कहा, मैं सच कहूं तो नेट्स में किसी भी बल्लेबाज को गेंदबाजी करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऋषभ पंत को करने में होती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि वो किधर मार रहा है। वो सीधे आपके सिर पर भी मार सकता है। 2016 से लगातार ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा है। उन्हें पहली बार जहीर खान की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप में दिल्ली के लिए खेलने का मौका मिला था। तब से उनका प्रदर्शन आईपीएल में इतना बढ़िया रहा, इतना शानदार रहा कि उन्हें दिल्ली की टीम ने फिर कभी नहीं छोड़ा। ईशांत ने पंत के अलावा खुद की गेंदबाजी और फिटनेस पर भी बात की। उन्होंने बताया कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी कामयाबी के पीछे कई लोगों का हाथ है। ईशांत ने कहा, हर किसी को श्रेय लेना चाहिए। अगर आप 20 विकेट लेते हैं तो आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन है। ईशांत ने विराट के साथ खेलने के बारे में भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों अंडर 19 के दिनों से साथ खेल रहे हैं। हमारे बीच अलग तरह की दोस्ती और बॉन्डिंग है। हमारे एक कोच थे जो कि अंडर 17 के दिनों में हम सबका मजाक बनाते थे। उन्होंने ही विराट को चीकू बुलाना शुरू किया, इस वजह से उनका ये नाम पड़ गया। ईशांत शर्मा इंडिया की शॉर्टर फॉर्मेट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लगातार आईपीएल खेल रहे हैं। पिछले लंबे वक्त से वो टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में अहम गेंदबाज हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी विपिन ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।